स्टार न्यूज और मैं हूं आपके साथ गौरी। आइए शुरुआत करते हैं देश भर की सभी छोटी बड़ी खबरों के साथ। गरीब कल्याण सम्मेलन कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा केंद्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा संचालित विभिन्न लाभार्थी परक योजनाओं के लाभार्थियों से वर्चुअल रूप से संवाद किया गया। प्रधानमंत्री के हिमाचल प्रदेश के शिमला में आयोजित कार्यक्रम का निकुंज हॉल नुमाइश ग्राउंड सहित सभी विकास खंडों पर भी सजीव प्रसारण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह, CDO अभिषेक पांडे, CMO, PD, DPRO, DSO, LDM, PO डूडा, उपनिदेशक कृषि, जिला कृषि अधिकारी, DPO सहित संबंधित विभागों के अधिकारी एवं विभिन्न योजनाओं यथा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण व शहरी, मुख्यमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना, वन नेशन, राशन कार्ड योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, पोषण अभियान, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, आयुष्मान भारत योजना, स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन, PM स्वनिधि योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन आदि लाभार्थियों द्वारा प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के विभिन्न जनपदों के लाभार्थियों से किए गए संवाद कार्यक्रम उद्बोधन कार्यक्रम को सुना गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की आज 11वीं किस्त के रूप में करोड़ों किसानों के खाते में धनराशि का प्रेषण किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा भी प्रदेश में संचालित स्वयं सहायता समूहों के सीधे खातों में एक क्लिक के माध्यम से धनराशि भेजी गई। निकुंज हॉल नुमाइश में आयोजित कार्यक्रम में जिलाधिकारी चंद प्रकाश सिंह द्वारा जनपद में बैंकिंग क्षेत्र में 16 विकास खंडों में बैंक सखी द्वारा अच्छा कार्य करने पर उन्हें उपहार देकर सम्मानित करते हुए उनका मनोबल बढ़ाया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जनपद के लिए गर्व का क्षण है कि हमारे जनपद की खुर्जा क्षेत्र निवासी क्षमा शर्मा विद्युत सखी दीदी सीताराम महिला स्वयं सहायता समूह के द्वारा बिजली बिल जमा कराए जाने में प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसके साथ ही जनपद की 4 विद्युत सखी दीदियों ने भी विद्युत बिल जमा कराए जाने में प्रदेश में टॉप 10 में स्थान बनाया है। उन्होंने कहा कि अन्य स्वयं सहायता समूहों के द्वारा भी उनसे प्रेरणा लेकर अपने कार्यों को करते हुए प्रदेश एवं देश में जनपद का नाम रोशन किया जाए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि केंद्र एवं प्रदेश सरकार की लाभार्थी परक योजनाओं का प्रचार प्रसार करते हुए पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित किया जाए। उन्होंने जनपद के पात्र लोगों से भी अपील करते हुए कहा कि सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में जागरूक होकर योजनाओं का लाभ उठाएं। कितने लाभार्थी हैं और किन किन योजना में इनकी लाभ मिला? आज जो माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल 5 साल का पूरा हुआ है, इसके उपलक्ष्य में यहाँ जनपद बुलंदशहर में भी एक भव्य कार्यक्रम, बहुत खुशी का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें लगभग 3.25 लाख हमारे किसान भाइयों को PM किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त का सीधे उनके खाते में पैसे का ट्रांसफर हुआ है। इसके अलावा यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण शहरी के लाभार्थी भी आए थे, आंगनबाड़ी आई थी, BC सखी आई थी। और आपको जान करके प्रसन्नता होगी कि हमारे खुर्जा की संग्रामपुर की हमारी क्षमा शर्मा जी, जो कि हमारे NRLM ग्रुप की एक मेम्बर हैं, उन्होंने पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा बिजली का बिल कलेक्ट किया है और वो पूरे प्रदेश में नंबर 1 आई हैं। और हमारे बुलंदशहर जनपद की 4 बहनें उसमें पूरे प्रदेश में टॉप 10 में हैं। और इसके अलावा उज्ज्वला योजना के प्रधानमंत्री जो हमारा खाद्यान्न बट रहा है, अन्य तमाम योजनाओं के लाभार्थी यहाँ निकुंज हॉल में आए थे। इसके अलावा हमारे 16 ब्लॉक से भी लोग जुड़े हुए हैं। उद्देश्य यही था कि जितनी भी सरकार की योजनाएँ चल रही हैं, वो चाहे भारत सरकार की हो, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार की हो, हर आदमी जागरूक हो, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है और सारी सर्विसेज ऑनलाइन की गई हैं। अपने CSC के माध्यम से, अपने पंचायत के माध्यम से या हम लोगों के कार्यालय के माध्यम से जागरूक हों, योजनाओं की जानकारी लें और बिना किसी रुकावट के, बिना किसी विघ्न बाधा के योजनाओं का लाभ लें। और अगर कहीं कोई समस्या आती है तो IVRS के माध्यम से या हम लोग के लैंडलाइन में हैं उनके माध्यम से हम लोगों को अवगत कराएं, ताकि हम उनके जीवन की सहूलियतें और बढ़ा सकें और उनको जो सुविधाएँ हों अधिक से अधिक दे सकें। इस खबर के प्रायोजक हैं सलीम बेंगल स्टोर। हमारे यहाँ हर प्रकार की चूड़ियाँ, कंगन, दुल्हन चूड़ा थोक और रिटेल में उपलब्ध है। हमारा पता है काली नदी रोड, फूलवाली गली, फैसलाबाद, बुलंदशहर।